हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारी यूट्यूब चैनल दिल्ली के लजीज खाने में हम आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक यूनिक स्टाइल में ब्रेकफास्ट की रेसिपी, और सिर्फ 5 मिनट में आप ये यूनिक स्टाइल ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमने कुछ ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं। सैंडविच जो ब्रेड होती है उसके आप स्लाइस ले लीजिए, और इसके इस तरह बीच का पार्ट निकाल लीजिए और जो चारों साइड्स हैं उसको अलग कर लीजिए। बिल्कुल बहुत ही आराम से आपको इसे काटना है। इस तरह आप ये पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। ये देखें, इस तरह ये आप निकाल लीजिए, बीच का पार्ट अलग कर लीजिए और इसकी जो चारों साइड्स हैं वो अलग कर लें। और देखें, इस तरह हम ये काट लेंगे तो दूसरा भी हम आपको इस तरह काट के दिखाएंगे। ये हम नाइफ़ से काटेंगे, तो आप किसी भी तरह आराम से काट लें इसको, और बीच का पार्ट इसका बिल्कुल अलग कर लें और इसकी जो साइड्स हैं वो अलग कर लें। ध्यान से काटें कि साइड्स इसकी कटनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल जो स्क्वायर शेप में निकलना चाहिए इसका जो पीस है। ये देखें, बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा, और थोड़ा आराम से निकालें आप इसे। ये देखिए, ये हमने दूसरा भी निकाल लिया है। इसी तरह हम आराम से ये ब्रेड के सारे जो किनारे हैं वो अलग कर लेंगे, चारों साइड्स अलग कर लेंगे बहुत ही आराम से। तो आप जितने सैंडविचेस बनाना चाहें उसके हिसाब से आप स्लाइसेस ले लीजिए ब्रेड के। और अब हम एक बाउल के अंदर ये 2 अंडे ले लेते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा ले लें, ये मैंने सिर्फ 2 अंडे लिए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मैंने डाला है इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा नमक डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जायके के मुताबिक, और थोड़ी रेड चिली पाउडर डालूँगी इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें वरना स्किप कर सकते हैं। और इसे अच्छे से बीट कर लूँगी, अच्छे से फेंट लूँगी अंडे को। ये देखिए, फॉक से आप बहुत ही आराम से इसे फेंट लीजिए। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैंने ग्रीन कैप्सिकम ली है थोड़ी सी, और इसको इस तरह काट लिया है, ये इसके अंदर जाएगी। और ये येलो वाली कैप्सिकम भी ली है, ये भी इसके अंदर जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी आप ये ले लीजिए कैप्सिकम, और ये रेड वाली कैप्सिकम भी जाएगी इसके अंदर। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल दें। और देखें, थोड़ी प्याज भी डाल देंगे हम इसके अंदर, प्याज का अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और मैं इसके अंदर थोड़ी स्वीट कॉर्न और ये थोड़ा पत्ता गोभी डाल दूंगी। तो ये सब इसके अंदर डाल देते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल दें, नो प्रॉब्लम। और इसे मैं एक बार और मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ियाँ इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। और अब पैन के अंदर 1 चम्मच हम बटर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल या घी भी डाल सकते हैं, बटर में अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम बटर डालेंगे इसके अंदर, और फ्लेम हम लो रखेंगे बिल्कुल। और अब हम ये देखें स्लाइस डाल देंगे, जो हमने ये बीच का पार्ट अलग कर लिया है और ये जो साइडें अलग किए हैं स्लाइस का, वो इसके अंदर डाल देंगे इस तरह, और फ्लेम लो रखेंगे, याद रखें। और इस तरह हम ये देखें ये अंडे का मिक्सचर डाल देंगे इसके अंदर। तो बहुत ही आराम से ये आप डाल दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये सैंडविचेस बनकर रेडी होंगे। ये देखिए, फ्लेम आपने लो ही रखना है। और अब हम इसके अंदर थोड़ी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दें। और अब हम इसके ऊपर 1 चीज़ का स्लाइस भी लगा देंगे। आप कोई भी अपनी पसंद से चीज़ डाल सकते हैं। और देखें, थोड़ा सा हम ये इसके ऊपर डाल देते हैं अंडे के मिक्सचर को, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। और जो हमने बीच का पार्ट निकाला था ब्रेड का, वो इसके ऊपर डाल देंगे और हल्के हाथ से इसे प्रेस कर देंगे, अच्छे से चिपक जाएगा इसके ऊपर। और अब हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये अच्छे से सिक गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जला है, क्योंकि ये हमने लो फ्लेम पर बनाया है। और सिर्फ हम ये 15 से 20 सेकेंड के लिए कवर करके पकाएंगे इसे लो फ्लेम पर, जिससे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, आप विदाउट कवर भी बना सकते हैं, उसमें भी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, अब हम दूसरा भी बनाते हैं इसी तरह। तो इसी तरह हम ये सारे बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे, और एक ये यूनिक स्टाइल में ब्रेकफास्ट है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसी तरह हम देखें चीज़ डाल देंगे,
और अब हम ये चीज़ का स्लाइस लगाएंगे इसके ऊपर। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए इस तरह हम बना लेंगे। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये देखें, ये अच्छे से सीख गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, सिर्फ 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो चीज़ का भी टेस्ट आएगा इसके अंदर, ऑमलेट का भी आएगा और ब्रेड का भी टेस्ट आएगा इसके अंदर। और इतनी अच्छी हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली हैं, उसका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। और ये देखिए ये रेडी है। और चलें एक हम आपको ये कट करके दिखाते हैं कि अंदर का इसका टेक्सचर कैसा आया है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे सैंडविचेस बने हैं। ये देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। सिर्फ 5 मिनट में आप ये कलरफुल हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।